हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चू। आई एम सादिया फ्रॉम बीजेम्स पैटिसरी। आज मैं आपको गनाश बनाना बताऊंगी। गनाश एक मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट को मिला के बनाना बताऊंगी, और दूसरा गनाश मैं बताऊंगी वाइट चॉकलेट से। तो आपको इस तरह से दो तरह के गनाश सीख लेंगे आप लोग, ठीक है। पहले गनाश शुरू बताने से पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और आप इसमें आपको और भी क्या चीज़ें वेरिएशन चाहिए, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं अपना गनाश। जी वर्स, ये गनाश मैं बना रही हूँ केक कवरिंग के लिए। तो मेरा रेशो इसका गनाश का रहेगा 2:1, 2 मतलब चॉकलेट और 1 मींस क्रीम। तो मैं ले रही हूँ 600 ग्राम्स चॉकलेट और 300 ग्राम्स क्रीम। तो ये रेशो जो है वो केक कवरिंग के लिए। अगर आपको ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर आपको 1:1 का रेशो रखना पड़ेगा। तो ये मैंने 600 ग्राम्स चॉकलेट लिए, इसमें हाफ मिल्क है और हाफ डार्क है। अगर आपका दिल चाहे तो आप पूरा डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, और आपका दिल चाहे तो मिल्क चॉकलेट पूरी ले सकते हैं, ठीक है। क्रीम जो है ये हमने लिए 300 मिलीलीटर, और जो इसमें ग्लूकोज है, लिक्विड ग्लूकोज, ये है 60 ग्राम्स। ग्लूकोज डिपेंड करता है कि आपको अगर नहीं चाहिए तो आप सिर्फ वो रेशो भी से बना सकते हैं। रेशो जो है चेंज हो सकता है आपके चॉकलेट के उस पर, चॉकलेट की क्वालिटी पर, उसमें कितना कोको बटर है, कितना उस, और दूसरा वेदर पर, गर्मी और सर्दी का, जो विंटर और समर में जो आपका है उसमें भी चेंज हो सकता है। इसलिए रेशो कोई परमानेंट नहीं है कि जो रेशो मैं बता रही हूँ आप यही रखें। आप अपने वेदर के हिसाब से रेशो चेंज कर सकते हैं, चॉकलेट की क्वालिटी की वजह से आप रेशो चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव सेलेबट लेंगे तो वो वाली जो है उसके लिए आपको 1:1 ही रखना होगा। ये मेरी जो है दूसरी गिटार चॉकलेट है, तो ये 2:1 है। तो आपके पास आपकी कंट्री में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सॉस पैन में हम ग्लूकोज डालेंगे, उसके बाद हम इसमें व्हिपिंग क्रीम या डबल क्रीम आप कुछ भी कह लें वो डाल देंगे। इसको हम गरम करेंगे, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा हम उसको चॉकलेट पे डालेंगे। ये देखें गरम हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा बॉयल नहीं हुआ है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में आएगा हम इस पे से हटा देंगे स्टोव पे से अपना पैन, क्योंकि एकदम से ये बाहर गिर जाता है। ये देखें ये हो रहा है, बस अब स्टोव से हटा लेंगे, स्टोव बंद कर देंगे। अब हम इस पे डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक वेट करेंगे। अभी हम इसमें कोई स्पून नहीं करेंगे, चलाएंगे इसको, स्टर करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम कोई 2-3 मिनट बाद फिर हम इस पर स्पून चला के और इसको मिक्स करेंगे।
अब हम इसको मिक्स करेंगे। चॉकलेट के कोशिश कीजिएगा पीसेस छोटे छोटे हों, ज़्यादा बड़े ना हों। अभी आपको बहुत ये रनी सा लग रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सेट हो जाएगा। अगर आपको रनी चाहिए, मतलब ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप 1:1 का रेशियो रखें, और अगर आपको कवर करना है तो 2:1 का रखें। 2:1 जो है कवर करने के लिए या डेकोरेट करने के लिए सही रहता है रेशो, और ट्रफल्स बनाने के लिए भी सही रहता है। ये देखें कितना शाइनी बन गया है ये। तो ये जो है आपका जो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपको जो केक बिल्कुल फ्रोज़न केक हो, उनको उनके ऊपर आप इसके कवर करें तो बहुत शाइनी लुक आता है। अब मैं जो मुझे चाहिए केक को कवर करके उसको यूज़ करने के लिए, तो फिर मैं अब इसको रखूँगी एक दिन के लिए, मतलब आज बनाया है तो कल यूज़ करूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर दें। क्लिंग फिल्म से कवर करते हुए इसकी जो सरफेस है उस पर क्लिंग फिल्म टच होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रख देंगे कल तक। कल हम अभी हम रात हो रही है तो हम कल दिन में इसको यूज़ करेंगे। वाइट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जो हमें रेशो चाहिए 3:1, 3 वाइट चॉकलेट और 1 क्रीम। तो मैंने लिया है 300 ग्राम्स वाइट चॉकलेट और 100 मिलीलीटर क्रीम, डबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, कोई सी भी आप क्रीम ले सकते हैं, थिक क्रीम। तो अब हम उसको क्रीम को स्टोव पे गरम करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट में। जी इसमें हमने ये गरम करके क्रीम डाल दिए, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ये देखें अब हमें इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये देखें ये मैं मिक्स कर रही हूँ अभी, लेकिन चॉकलेट के आपको बिट्स दिख रहे हैं, तो हम इसको माइक्रोवेव में रखूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मिक्स करूँगी। जी देखें ये हो गई है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म से कवर करके और रख देंगे, फिर कल यूज़ करेंगे हम। जी व्यूअर्स, आपने देखा मैंने गनाश आपको बनाना बताया दोनों तरह से, वाइट चॉकलेट में भी और डार्क चॉकलेट में भी। तो जो मैंने आपको बताया था उस वक्त, अगर आप चाहें तो किसी भी फ्रोज़न केक पे, कोई भी फ्रोज़न केक हो उसके ऊपर आप उसको कवर कर सकते हैं उस कंसिस्टेंसी में। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने रख दिया उसको फ्रिज में, तो फिर दूसरे दिन आप इसको क्रम कोटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर इसी गनाश को चाहें तो इसको बीट करें, विस्क करें और डायरेक्ट बिल्कुल पाइपिंग बैग में डाल के स्टार नोज़ल लगा के, और जिस तरह हम बटर आइसिंग करते हैं उस तरह से आप इस गनाश को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसी गनाश को आप चाहें तो जमाने के बाद फिर आप उसको उसके बॉल्स बना लें तो ये ट्रफल्स बन जाएंगे। तो इस गनाश से आप कई इसकी हर कंसिस्टेंसी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है गनाश। आपको काफ़ी इससे, मेरी इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो फिर आपको अपनी बात बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो फौरन मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप और क्या चाहते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।